क्यों आए हैं हम इस संसार में? तुम्हारी आत्मा का एक ही जवाब होगा, कृष्ण प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। बोले संसार की जिम्मेवारियां, बोले संसार की जिम्मेवारियां तो इस तरह से हैं, जैसे हम एक ट्रेन में सफर करें और जिस बोगी में हम सफर कर रहे हैं उसी बोगी में हमें और हमारे सामने वाले बर्थ पर कुछ जानने पहचानने वाले लोग मिल जाएं या उनसे जान पहचान हो जाए। तो अगर उनसे हमारी जान पहचान हुई और उनका स्टेशन पहले आ गया या हमारा स्टेशन पहले आ गया, तो ना तो हम उनके लिए उतरेंगे ना वो हमारे लिए उतरेंगे। मानोगे कि नहीं? ना वो हमारे लिए उतरेंगे ना हम उनके लिए उतरेंगे। उनको अपने स्टेशन पर उतरना है और हमें अपने स्टेशन पर उतरना है। तो मानव योनि का जो जीवन की जो रेल है इसमें हम लोग सफर कर रहे हैं, और जो हमारे रिश्ते नाते हैं, जितने भी रिश्तेदार नातेदार जितने भी अपने हैं, ये सब उस बोगी में मिले हुए एक जान पहचान करने वाले हैं या जिनसे जान पहचान कर ली गई या हो गई। लेकिन जब उनका स्टेशन आएगा तो वो उतर जाएंगे, और जब हमारा स्टेशन आएगा तो हम भी उतर जाएंगे। लेकिन सच्चा यात्री, सच्चा राही कभी दूसरे के स्टेशन पर नहीं उतरता, वो तो अपनी मंजिल पर ही जाकर रुकता है, वहीं जाकर उतरता है। हमारा स्टेशन अटक जाते हैं, जिम्मेवारियों को अपना समझ लेते हैं। समझना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारियों को मन पर हावी रहने दो, तन पर हावी रहने दो, मन पर नहीं। मन पे तो हमेशा अपना मकसद, अपना टारगेट, मन में एक चीज रहनी चाहिए, मुझे कृष्ण को पाना है, मुझे कृष्ण को पाना है, मुझे मोक्ष को पाना है, मुझे मोक्ष को पाना है। जब ये दृढ़ विचार आपके मन में हमेशा रहेंगे तो निश्चित बात है, चाहे आपके रिश्तेदार कितने भी आपके करीब रहें, लेकिन आपके मन पर उनका असर नहीं जाएगा। क्योंकि मन पर तो कोई और ही सवार है, वो श्री कृष्ण, कृष्ण से मिलने की इच्छा। इसलिए सच्चे यात्री की तरह अपने स्टेशन का ख्याल रखें, जो कि कृष्ण प्राप्ति है। आत्मा का एक ही जवाब होगा, रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गमाएगा। कृष्ण नाम नहीं गाएगा तो, प्रभु का नाम नहीं गाएगा तो, अंत समय पछताएगा। बहुत से लोग अपना जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, ये अब करके छोड़ूंगा, वो अब करके छोड़ूंगा, पूरा जीवन मेरा तेरे में ही बिता देते हैं। लेकिन जो मेरा तेरे करने वाले लोग हैं ना, उनसे को एक सलाह दूंगा, सिर्फ 5 मिनट अपने लिए जियो, सिर्फ 5 मिनट। और 5 मिनट जब अपने लिए जियो, उन 5 मिनटों में एकांत में बैठो, एकांत में, और एकांत में बैठकर अपने आप से पूछना, तुम क्यों आए हो, तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। जब 4-5 प्रश्न अपने आप से करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। आपके घर में से कई बुजुर्ग गए होंगे इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन आप किसी के साथ गए क्या? जवाब दीजिए, गए? नहीं गए। तो जब आप जाओगे तो आपके साथ कोई जाएगा? जब आप ही किसी के साथ नहीं गए तो आपके साथ कौन जाएगा? आपके साथ जाएगा आपका किया हुआ कर्म, अच्छा या बुरा। आपने अच्छा कर्म किया है वो आपके साथ जाएगा, आपने बुरा कर्म किया है वो आपके साथ जाएगा। इसलिए अपने कर्म को सुधारो,
कर्म को बिगाड़ो नहीं, अपने लिए जीना सीखो, अपनी आत्मा के लिए जीना सीखो, और आत्मा का जो मकसद है उसे हमेशा जीवित रखो, अपने मन के साथ रखो, अपने जीवन के साथ रखो। सब कुछ भूलो लेकिन कृष्ण को कभी मत भूलो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। कल कृष्ण जन्म हुआ और कल के कथा प्रसंग से आगे का प्रसंग मैं आज सुनाऊं। ब्रजभाषा में ब्रज की लीला, अद्भुत लीला, ब्रज की अद्भुत लीला। मेरे कन्हैया जैसो तो कोई दयालु नहीं है सकल। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे विराजमान होकर कहते हैं, राजा मेरे कृष्ण जैसा दयालु कैसे हो सकता है कोई? जब कन्हैया 7 दिन के हैं ना, तो पूतना कन्हैया को मारवे के लिए आई, और पूतना जब मारवे के लिए आई अपने स्तन से कालकूट विष लगाए के लाई, दूध पिवाऊंगी, दूध के बहाने विष उनके मुख में जाएगो, और जब विष जाएगो तो वाको प्रणाम तह जाएगा, मेरे भैया के शत्रु को प्रणाम तह जाएगा। लेकिन क्या कहूं तेरी दयालुता मेरे प्यारे, अहो बकियम स्तन कालकूटम, स्तन से कालकूट विष लगाए। ये सोच के गई है कि कृष्ण को मारूंगी जहर पिलाकर, विष पिलाकर। एक बात बताऊं मेरे प्यारे, आजकल इस दुनिया में बहुत मारामारी हो रही है, इतना आतंक का साया पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिसे भी देखो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए छोटे को समाप्त किए जा रहा है। लेकिन जीवन में अगर याद रख सकते हो तो मेरी ये बात याद रखना, किसी को मार कर तुम बड़े नहीं हो सकते, बल्कि किसी को जीवन दान देकर तुम बहुत बड़े बन सकते हो, बहुत ज्यादा बड़े बन सकते हो। अगर बड़ा बनना ही है तो किसी को मार कर नहीं, किसी को जीवा कर बड़े बनो। जिसको तुमने जिवाया वो तुम्हारा हमेशा एहसान माने और तुम्हें अपनी दुआओं का भरपूर शुभकामनाएं तुम्हें दे। राक्षसों की कमी नहीं दुनिया में, सज्जनों की कमी है। सज्जन बनिए, क्योंकि मार्केट में वही चीज खरीदी जाती है जिसकी कमी हो, और जिसकी कीमत बहुत ज्यादा या मार्केट में बहुत ज्यादा विषय वस्तु है उसको खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं होते, लेकिन जो कम हो उसे खरीदने वाले बहुत हैं। आज इस संसार रूपी मार्केट में सज्जनता बहुत कम रह गई, इसलिए सज्जन बनो, अच्छे बनो, और अगर अच्छे बनोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक दिन तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे साथ होगी। सत्य में बजाइते, सत्य की विजय हमेशा होती है। बोलो राधे राधे। अब पूतना बद की लीला को अगर लें तो पूतना समाप्त हो गई, और कन्हैया ने सिर्फ 7 दिन के, कन्हैया सिर्फ 7 दिन के पूतना बन के आई है, मेरे कन्हैया की मौसी का बन के आई है। आजकल के बालक अपनी माँ से कम प्रेम करें, मौसी से ज्यादा करें, करें कि नहीं? सही बताओ, करें? मौसी से क्यों करें? क्योंकि मौसी दूर रहे, मौसी दूर रहे, और जो दूर रहे वो जब भी आवेगी कछु न कछु अपने भांजे काजे लेके आवेगी। ले बेटा चॉकलेट खा लियो, ले बेटा मार्केट दिया चीजें ले आइयो, और ऊपर ते 100 रुपया दे देगी, ले बेटा ये तेरी जेब खर्ची के लिए। बोलो राधे राधे। अब बालक तो वाई को प्यार करेगा ना, जो बालक को खाएवे को कछु दे दे। अब मम्मी तो कितनों खवाले कितनों पिवाले, लेकिन रहेगी मम्मी, क्योंकि बीच में एक आध बे डांट देगी, और डांट देगी तो मम्मी बेटी के नहीं।